नमस्कार, वेलकम टू मायाज फूड। अब जिनका चिकन फेवरेट है वो इस तरह का रेड ग्रेवी वाला जो चिकन है ना, देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है। तो मेरे तरीके से बनाया हुआ ये रेड ग्रेवी वाला चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि ये टेस्ट जो है वो आपकी फेवरेट लिस्ट में ज़रूर ऐड होगा। अब यहाँ पे हमने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। तो प्याज का पहले कवरिंग वगैरह हमें हटा लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक शार्प सा नाइफ लेकर इन प्याज में इस तरह से कट लगाना है। तो जस्ट हमें 4 कट लगाना है, यानी कि 2 कट लगाकर इस तरह से इन्हें 4 पीसेज में कट कर लेंगे। ये देखिए, तो दोनों ही प्याज को हम इस तरह से कट लगाकर पहले तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने गैस पर एक जाली को प्लेस कर दिया है। अब गैस को ऑन करके ये प्याज इस पर रख देना है और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। बीच बीच में इसे ना टर्न करते रहें। अब चिकन जो है आपका फटाफट से तैयार हो, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर चिकन हमने ले लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद इसमें डालिए नमक, लगभग 1 चम्मच के करीब नमक हम इसमें डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा प्याज और 1 छोटा टमाटर कटा हुआ, दालचीनी के 2 टुकड़े। अब इन सभी चीज़ें के साथ ना हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चाहे तो चम्मच से या फिर हाथों से भी इन सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें मसाले में कोट हो जाए। अब इसे 15 मिनट के लिए ना आप कवर करके छोड़ दीजिए। तो देखिए 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ना इस तरह से इस चिकन में पानी दिखाई देने लगेगा। अब हमें क्या करना है, इस चिकन को पका लेना है। तब हम इसे डायरेक्टली डालेंगे कुकर में, चाहे तो आप किसी पतीले में भी इसे पका लें। तो इसे पकाना कम्प्लीटली नहीं है हमें, लगभग 80% तक हम इसे कुक करेंगे। अब इसमें हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली 1 कप भर हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 80% बॉईल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके प्याज जो है वो इस तरह से भुन चुके हैं। अब गैस को बंद कर लीजिए। तो अब मिक्सी जार में हमें डालना है ये 2 प्याज, अदरक और लहसुन। तो अब देखिए जो सूखा वाला नारियल है ना, तो इसे भी हम इस जाली पर रख देंगे और इसे इसी तरह से लेकर गैस पर रख देना है और हल्का हल्का इसे हम भून लेंगे। हमने कुछ कोकोनट को भी भून लिया है, जिसे कि हम मसाले में डालने वाले हैं। और अब इन सभी चीज़ों का एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए आपका जो मसाला है वो इस तरह से बनके तैयार होगा। तो रेड ग्रेवी की खासियत ही यही है कि आपका मसाला ना इस तरह से बनके तैयार होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, तो लगभग 1 कटोरी के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। अब तेल के गर्म होते ही पहले हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। ध्यान रहे कि तेल एकदम भी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि इसमें से धुआं निकल आए। जस्ट नॉर्मल ही हमें तेल को यहाँ पे गर्म रखना है, क्योंकि जो मसाले अब हम इसमें डालेंगे ना, तो वो जल ना जाए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। वरना मसाले यदि जल गए तो आपकी ग्रेवी में उतना अच्छा टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं इसमें मसाले डालने वाली हूँ। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। तो पहले अब मैं इसमें क्या डालूँगी, जो मसाला मैंने यहाँ पे बनाया था, तो लगभग 1 चम्मच मैंने ये प्याज वाला मसाला इसमें डाला है। गैस हमारी बिल्कुल लो है, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच मैं यहाँ पर इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। लाल मिर्च पाउडर, तो लगभग 1.5 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी हल्दी का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी करेंगे। और अब इन सभी मसालों को पहले हम पका लेते हैं एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्लेम यदि हमारी हाई होती ना, तो ये जो मसाले हैं एकदम फटाफट से जल जाते हैं और फिर ग्रेवी में ना कलर आ पाता, ना ही उतना बढ़िया टेस्ट आ पाता। तो पहले अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और इन मसालों को मिक्स करने के बाद ना, अब ये जो बाकी का मसाला बचा है हमारा प्याज वाला, वो सारा का सारा हमें डाल देना है। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिए और इन मसालों को चलाइए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेवी डालते से इसे बहुत ही फास्ट तरीके से मिक्स करने लग जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। ग्रेवी को जस्ट ना उसके इस तरह से साइड्स पलटनी होती है, इसलिए ग्रेवी का जो चम्मच है घुमाते समय बिल्कुल हल्के हाथों से यूँ घुमाएं, इस तरह से। देखिए समय के साथ इसमें ना ग्रेवी में काफ़ी बढ़िया सा कलर आने लगा है। और मैं इसे तब भी ना इसी तरह से स्मूथली ही मिक्स कर रही हूँ, इसे फास्ट मिक्स नहीं कर रही हूँ। तो जितने प्यार से आप अपनी इस करछी को इस मसाले में हैंडल करेंगे उतने ही प्यार से आपकी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। अब ग्रेवी जो है वो आपकी कम्प्लीटली स्वाद में पके, इसके लिए आपको क्या करना है, इस ग्रेवी में इसी के अकॉर्डिंग यानी कि जितना ग्रेवी के लिए ज़रूरी है उतना ही आपको इसमें नमक ऐड करना है और फिर से इसे हल्के हाथों से चला लेना है। देखिए कम ऑयल डालते हुए भी आपकी ग्रेवी में जो कलर है, जो ऑयल है वो इतनी बढ़िया तरीके से निकल कर आएगा। बस जो रेसिपी है वो थोड़ी इत्मीनान के साथ हमें यहाँ पे बनानी होती है। और देखिए आपका जो चिकन है एकदम फटाफट से बन जाना है, क्योंकि जब तक आप मसाला प्रिपेयर करते हैं ना तब तक आपका चिकन जो है 80% ऑलरेडी कुक हुआ रहता है। तो बस इस तरह से अब इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है, चिकन को इस मसाले में डाल देना है, क्योंकि हमें इसे 20% और पकाना है ना मसाले के साथ, जिससे कि बढ़िया सा मसाला जो है उसमें घुल मिल जाए, बढ़िया खुशबू उसमें कोट हो जाए। तो ये देखिए साइड में इस तरह से जो है आपका जो बॉइल्ड चिकन है वो बन के तैयार है। इसमें भी जो है लिक्विड की मात्रा देखिए थोड़ी बढ़ चुकी है। अब बड़े ही आराम से ना ये चिकन इस ग्रेवी में आप ऐड कीजिए, पानी भी इसका डालना है हमें। अब चिकन को हमने इसमें डाल दिया है। अब क्या कीजिए, थोड़ा नमक डालिए। ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, बाद में मसाले में भी इस्तेमाल किया था, तो उसी हिसाब से अब इसमें नमक ऐड करें और थोड़ी सी कसूरी मेथी को यूं क्रश करते हुए डालेंगे और 3/4 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला। तो अब हमारी सब्ज़ी को हम कवर करते हुए पकाएंगे, क्योंकि ये चिकन जो है हमारा 80% ही कुक था, जिसे कि अब हमें 100% कुक करना है। तो इस तरह से आपका बढ़िया सा रेड चिकन सर्विंग प्लेट में जाने के लिए तैयार है। तो इन्जॉय कीजिए इस रेड ग्रेवी चिकन को और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।